like a Hellcat. Hello friends, today's question: calculate the distance of an aluminium cable of length 10 km and diameter 2 mm. If the resistivity of aluminium is 2.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Firstly, कोई भी न्यूमेरिकल होता है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो गिवन रहता है उसे राइट करते हैं और जो फाइंड करना रहता है उसे भी राइट करते हैं, ठीक है। तो आइए फर्स्टली क्या करें, जो गिवन है राइट कर दे। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आई मीन आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्युमिनियम केबल ऑफ लेंथ, एल्युमिनियम केबल का लेंथ कितना है, 10 किलोमीटर है। एन इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हम क्या करें 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, दैट इज 10,000 मीटर। एंड डायमीटर, डायमीटर दैट इज 2r इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। दिस इंप्लाई r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई 2, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, ये r का वैल्यू हो जाएगा। If the resistivity of aluminium, resistivity कितना given है, rho is equal to 2.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter, यही given है। और हम क्या formula जानते हैं, we know that resistivity का formula आपको बताया थे, R is equal to rho into L by A, यह रिलेशन था रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस के रिलेशन, R is equal to rho into L by A। अब वैल्यू पुट करिए, rho is equal to 2.7 into 10 to the power 8 minus 8 है into L, L is 10,000 by A, that is pi R square। pi R square क्यों लिखे, जैसे एल्युमिनियम वायर है, वायर क्या होता है सिलैंडरिकल फॉर्म में होता है, जब वायर सिलैंडरिकल फॉर्म में होता है तो वायर को अगर ऐसे कट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। सपोज दैट यही वायर है, इसको कट कर रहे हैं तो साइड से क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। और अगर वायर का रेडियस आर है तो सर्कल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आई मीन हम क्या करें, पाई आर स्क्वायर राइट कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, 2.7 इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 1, 2, 3, 4, 4 0 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई पाई, पाई 22/7 इंटू आर, आर इज 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3 स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2.7 ये 7 ऊपर चला जाएगा बाई 22 इंटू में क्या होगा, ये 10 टू द पावर माइनस 8 एंड प्लस 4, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 4, 3 टू जा 6, 10 टू द पावर माइनस 6, माइनस 6 ऊपर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, 2.7 इंटू 7 बाई 22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 6, अब 10 टू द पावर 2 बचेगा 100 हो जाएगा, 2.7 इंटू 7 इंटू 100 बाई 22, 100 का मल्टीप्लाई करें 2.7 से तो 270 इंटू 7 बाई 22, अब ये 2 से कटेगा 2 into 2, 35 हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें 7 5 35, 7 3 21, 21 में 3 ऐड कर देंगे 24, 7 9 बाई 11, अब 11 से डिवाइड कर दें, जब 11 से डिवाइड करेंगे 945,
8 टाइम जाएगा 11 8 जा 88 एंड 14 इज 8 माइनस होगा 6 बचेगा 11 5 जा 55 पॉइंट लगा देते हैं और क्या होगा ये कितने टाइम जाएगा 11 9 जा 99 1 बचेगा और पॉइंट लगाएं तो 0 मिलेगा फिर 0 इंक्रीज करेंगे तो यहां पे 0 मिलेगा 11 9 जा मतलब 85.90 आ गया 85.90 ये रेशियस निकला और आपकी बुक में आंसर क्या आया आपकी बुक में आंसर आया 85.9 जैसे मान लीजिए कहीं पे आपका 10 रुपीस 90 पैसा हो या 99 रुपीस 90 पैसा हो तो 100 रुपीस ले लेंगे ना तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से 9 है तो 9 को पॉइंट से रिमूव करने के लिए अगर आप चाहें तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं ठीक है ये किसके लिए यूज होता है अप्रोक्सीमेट के लिए यूज होता है दैट इज 86 ओम थैंक यू